नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ कंचन। दिनांक 22 मार्च और 23 मार्च 2022 को हजरत बाबा करामात शहादाता रहमतुल्ला अलैह जयपुर जिला शहडोल मध्य प्रदेश के आस्थाना ए मुबारक पर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया 81वां सालाना उर्स पाक। हर साल की तरह इस साल भी हजरत बाबा करामत शहादाता रहमतुल्ला अलैह का 81वां सालाना उर्स पाक आस्थाना ए मुबारक हजरत करामत शहादाता रहमतुल्ला अलैह की तंजीम जयपुर जिला शहडोल मध्य प्रदेश के द्वारा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। हमारे संवाददाता सोनू खान के द्वारा बताया गया है कि उर्से पाक के मुबारक मौके पर 22 मार्च 2022 दिन मंगलवार को गुस्ल संदल और चादर पोशी की गई और 22 मार्च 2022 को ही उर्स कमेटी जयपुर के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी हजरत बाबा करामत शाह के आस्थाने पर बाद नमाज मगरिब इज्तिमाई शादी कराई गई। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हर जोड़ों को घरेलू जरूरत का सामान दिया गया और आने वाले सभी मेहमानों के खाने का भी इंतजाम कमेटी के जानिब से किया गया। ये इज्तिमाई शादी का सिलसिला पिछले 14 वर्षों से लगातार चला आ रहा है। इस कार्यक्रम कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जनाब चांदखान नियाजी के द्वारा जानकारी दी गई कि इस वर्ष 10 जोड़ों की शादियां कराई जाकर उनका घर बसाया गया। उन्होंने ये भी बताया कि विगत 14 वर्षों से यानी सन 2009 से सन 2022 तक में हमारी तंजीम के द्वारा 156 जोड़ों की शरीयतों सुन्नत के मुताबिक बड़े धूमधाम के साथ शादियां कराई गई। दिनांक 23 मार्च 2022 दिन बुधवार रात्रि 10 बजे से मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती मनीषा सिंह जी विधायक जयपुर की उपस्थिति में हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल जनाब शरीफ परवाज कानपुर और हिंदुस्तान की मशहूर कव्वाला मोहतरमा गुड़िया परवीन जौनपुर के द्वारा हमदे बारी ताला और नातिया कलाम के साथ प्रोग्राम का आगाज किया गया और साथ ही गीत गजल की शानदार प्रस्तुति देकर युवाओं के मन मंत्र मुग्ध कर उनके दिल जीतने में कामयाब रहे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग यहां हजारों की तादाद में बाबा करामत शहादाता रहमतुल्ला अलैह की जियारत करने आए और अपनी नेक मुरादें पूरी होने की दुआएं मांगी। बताया जाता है कि इस दर से जो भी जायज मुरादें मांगी जाती हैं वो जरूर पूरी होती हैं। कव्वाली गायन के दौरान बाबा की शान में झोली पड़ी गई और देशभक्ति गीत भी पढ़ाए गए। उर्से पाक के प्रोग्राम पर मकसद आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना और जात पात की नफरत को फैलने से रोकना है। ये एक कौमी एकता का प्रोग्राम होता है। यहाँ बाबा के प्रांगण में 2 दिवसीय मेले का आयोजन भी किया जाता है। तुमने बीवी को बदलने की स्कीम निकालो। मगर जिनकी हो गई भैया बदलना मत। हाँ, वैसे मुसलमानों पे 4 भी जाए या 7 भी जाए, समझे? हाँ, स्कीम निकालो। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। कौन ये जो तबला बजा रहा है? अबे हमारी समझ में आया ना, सारा जिंदा कैसे हो गया? लॉकडाउन में तो मर गया था, इसकी खबर आई थी। चलिए कोई बात नहीं, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तबला बजा रहे हो मगर मिला लिया करो, ट्यून बजने लगता है तबला तुम्हारा। हाँ, क्या बात, भाई साहब, भाई साहब, चाय वाले भैया।